तो दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर निकल के आ रही है। बिहार में आप लोगों के लिए हाई कोर्ट की तरफ से नियोजित शिक्षकों के पक्ष में क्या निर्णय आया है, और दूसरी चीज़ जो साक्षमता परीक्षा की जो उत्तर कुंजी है उस पर बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखो मुद्दे की बात बताएंगे एक एक चीज़। सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों के लिए पहले नंबर पर पटना हाईकोर्ट की तरफ से जो अपडेट आई वो बताएंगे। दूसरी चीज़ उत्तर कुंजी आप लोगों पर क्या अपडेट आ गई और आपत्ति कैसे दर्ज करनी है और कितने नंबर का बोनस अंक मिलने वाला और रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट है। देखो सबसे पहली चीज़ तो हाईकोर्ट की तरफ से क्या अपडेट है, आज का बड़ी अपडेट आ रही है। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर आपको डिटेल में बताएंगे हाईकोर्ट की तरफ से क्या निर्णय दिया गया है। देखो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं हाई कोर्ट की तरफ से आप लोगों की। सबसे पहली चीज़ तो एक दो तीन दिन लगातार सुनवाई हुई। देखो ये पूरा वीडियो देखना, एक ही वीडियो की बात है, आप कोई दूसरा वीडियो मत देखना, केवल एक वीडियो। देखो सबसे पहली चीज़ तो हाई कोर्ट की तरफ से तीन दिन लगातार सुनवाई हुई है जिसमें नियोजित शिक्षक के लिए बड़ी अपडेट आ रही। सबसे पहली चीज़ बता दें इनका जो पक्ष है वो काफ़ी मजबूत रहा तीनों दिन, और ये है कि आप लोगों के लिए आज की अपडेट ये है कि आप लोगों का फिलहाल जो ऑर्डर है वो रिजर्व हो गया है। ठीक है, फिलहाल ऑर्डर पहली चीज़ तो रिजर्व हो चुका है, एक दो दिन पहले ही, दो दिन पहले रिजर्व हो चुका था। आपको बता दें ऑर्डर रिजर्व हो गया है और फैसला सुरक्षित है। अब सीधा ये कहा गया है कि हाई कोर्ट की तरफ से, पटना हाई कोर्ट की तरफ से अब सीधा आप लोगों को फैसला दिया जाएगा कि क्या नियोजित शिक्षक जो है वो बिना परीक्षा के राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके लिए आपको बताने वाले हैं, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, फिर आपको बताएंगे कि उत्तर कुंजी पर क्या अपडेट आई है, फिर रिजल्ट पर। ठीक है, तो फिर सबसे पहले आपको बता दें नियमावली फिलहाल हाईकोर्ट में मुद्दा रखा गया था कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वो फिलहाल 2002, 2006, 2012 के नियमावली के अनुसार लगे हुए हैं, तो दक्षता परीक्षा वो दक्षता परीक्षा पास करके ही लगे हुए हैं और अपने नौकरी पर करे हुए 20, 22, 15 साल लगे हो गए, ऑलरेडी लगे थे पहले से ही, तो उनको साक्षमता परीक्षा देने की आवश्यकता क्या है, उनको बिना परीक्षा का राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, जिस पर हाईकोर्ट की तरफ से सहमति है और बहुत ज़्यादा फैसला आप लोगों का यही है कि जो नियोजित शिक्षक है उन्हीं के पक्ष में फैसला देखने को मिलने वाला है। ठीक है, नियोजित शिक्षक की ही जीत देखने को मिल सकती है और ये कहा गया हाईकोर्ट की तरफ से आपका जो फैसला है वो सुरक्षित है, कभी भी अचानक आप लोगों का ऑर्डर जो है जारी कर दिया जाएगा और बहुत ज़्यादा चांस है कि बिना परीक्षा के आप सभी को राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़ बात करते हैं साक्षमता परीक्षा की उत्तर कुंजी के लेकर। हालांकि 2 तारीख की फर्स्ट सेकंड शिफ्ट आप लोगों की 2 दिन पहले ही जारी कर दी गई थी, फिलहाल अब जो बाकी जो उत्तर कुंजी उनकी भी उत्तर कुंजी धीरे धीरे आज ही आप लोगों की जारी हो रही है और कुछ कुछ अब धीरे धीरे आप लोगों की जारी कर दी जाएंगी। ठीक है, कुछ कुछ डेट की अभी अभी उत्तर कुंजी जारी की गई और कुछ कुछ की अभी थोड़ी 2-4 घंटे बाद या आज रात तक और भी बच्चे सब्जेक्ट की जो उत्तर बच्चे जो डेट की है वो उत्तर कुंजी जारी हो जाएगी। ठीक है, पहली चीज़ उत्तर कुंजी जारी हो जाएगी। ठीक है, और आपको बता दे रहे अगर आप आपत्ति अगर आपको प्रश्नों पर लगानी, कुछ कुछ प्रश्नों पर अगर नंबर कम ज़्यादा या गलत क्वेश्चन पर नंबर नहीं मिला या सही क्वेश्चन पर नंबर नहीं मिला या क्वेश्चन कोई गलत है तो उसमें आप लोग नंबर बढ़वा सकते हो, आपत्ति दर्ज कर सकते। दूसरी बात खत्म हो गई, अब तीसरी बात है इंपॉर्टेंट साक्षमता परीक्षा रिजल्ट पर क्या सभी अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, क्योंकि बिना एक तरफ हाई कोर्ट की तरफ से ये भी है कि बिना साक्षमता परीक्षा कंडक्ट ना कराई जाए, बिना परीक्षा के सभी को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, ये फिलहाल सहमति दिखाई गई। अब ऑर्डर जो आएगा वो आपको बताएंगे, लेकिन तीसरी चीज़ है साक्षमता परीक्षा को लेकर रिजल्ट पर क्या अपडेट है। फिलहाल साक्षमता परीक्षा को लेकर रिजल्ट पर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपके लिए निकल के सामने आ रही है। आपको मुद्दे की बात बताते हैं, सीधी बात साक्षमता परीक्षा को रिजल्ट को लेकर कहा गया, फिलहाल आंसर की आने के बाद में ये कहा गया है कि 2 या 3 दिन के अंदर ही अंदर, देखो पूरी बात सुनना, मेल और फीमेल में, मेल में 60 नंबर, फीमेल में 48 नंबर मांगा गया था पासिंग मार्क, लेकिन ये चर्चा चल रही है कि यह सभी अभ्यर्थियों को पास कर दिया जाए और बिना परीक्षा के राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। फिलहाल ऑर्डर तो यही आप लोगों का सुरक्षित है और ऑर्डर क्या आएगा वो अभी कन्फर्म नहीं है। ठीक है, लेकिन नियोजित शिक्षक का जो पलड़ा है वो भारी है। अब बात कर लेते हैं, ये कहा गया एक दो दिन, मतलब 2-3 दिन के अंदर ही अंदर आप सभी का जो रिजल्ट है वो जारी करने की बात कही गई, साक्षमता परीक्षा का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। और ये भी कहा गया है कि काफ़ी कम नंबर पर सभी अभ्यर्थियों को पास दोस्तों कर दिया जाएगा। और ये भी बात बता दे रहे जिनके ज़्यादा मार्क्स आएंगे, ठीक है, उनको अपना ही जिला, अपने ही गृह जनपद देखने को मिलने वाला है। ये भी चीज़ अपडेट है कि अपना ही गृह जनपद आप सभी को देखने को मिलेगा और जो रिजल्ट है साक्षमता परीक्षा का 2-3 दिन के पहले ही पहले आपका जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, और गृह जिला जो है वो आप लोगों को मिलना बिल्कुल तय है काफ़ी अच्छे नंबर पर। ठीक है, तो फिलहाल पासिंग मार्क तो 60 और वो 48 रखी गई, लेकिन अभी भी चर्चा चल रही है कि कुछ कम कर दिया जाए। फिलहाल आप लोगों के लिए बड़ी अपडेट है हाईकोर्ट की तरफ से, जैसे अपडेट आएगी इस चैनल पर अपडेट किया जाएगा। आज रात तक आप सभी की आप जो उत्तर कुंजी है धीरे धीरे जारी कर दी जाएंगी और कुछ कुछ जारी की जा रही है, और रिजल्ट को लेकर यही अपडेट है कि जल्द जल्द आप लोगों को रिजल्ट का प्रारूप प्रक्रिया बन रही है और रिजल्ट आपका जल्द जल्द जारी कर दिया जाएगा। और फिलहाल जैसे रिजल्ट आएगा इस चैनल पर अपडेट किया जाएगा। जितने भी नियोजित शिक्षक हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाई कोर्ट का फैसला कभी भी आएगा इस चैनल पर अपडेट आपको कर दिया जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई डाउट हो कमेंट में, आप लोग कोई भी डाउट हो या फिर नियोजित शिक्षक
क्या राज्य कर्मी दर्जा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, या फिर आपत्ति दर्ज पे आंसर की पे कोई डाउट हो कमेंट में पूछ लीजिएगा।